नमस्कार दोस्तों, आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होमोयोगी में। दोस्तों, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जागरूकता अभियान सीरीज का यह पहला वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अलावा आयुष की 5 पैथियों को भी मान्यता प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां आती हैं। एलोपैथी को तो सभी जानते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक प्रचलित चिकित्सा पद्धति है और तुरंत आराम देने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का सभी दूर उपयोग किया जाता है। एलोपैथी को जनरली आप देखते हैं तो इंजेक्शन, बॉटल या टेबलेट कैप्सूल चिकित्सा पद्धति के रूप में सभी लोग जानते हैं। आयुर्वेदिक के बारे में भी लगभग सभी लोग परिचित हैं क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसके अंतर्गत काढ़ा दिया जाता है या बहुत से प्रकार की जड़ी बूटियों को पीस कर दिया जाता है या जो है भस्म वगैरह दी जाती है। यूनानी की बात की जाए तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी काढ़े, भस्म वगैरह दिया जाता है। परंतु होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में पहले से तो खैर बहुत अधिक जागरूकता फैल चुकी है, पर अभी भी कई लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं है। तो ये वीडियो में हम उन्हीं लोगों को समझाना चाहते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में, आखिर ये होती क्या है। दोस्तों, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की बात करें तो जनरली इसे साबुदानों की गोलियों के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि इसकी जो दवा देने का एक माध्यम होता है वो ग्लोबुल्स होता है, जो इस समय आप अपने वीडियो में देख रहे हैं। इन ग्लोबुल्स में होम्योपैथी की दवा डाली जाती है। ये जो है एक प्रकार से साबुदाने के दाने जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे कई लोग साबुदाने के दाने जैसी चिकित्सा पद्धति इस प्रकार से भी जानते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करें तो आप अभी यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं जो मुख्य रूप से लिक्विड रूप में आती हैं। यहाँ पर आप देखें, आपने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में देखे होंगे कैप्सूल्स यूज होते हैं, टेबलेट यूज होती है, इंजेक्शन यूज होती है, पर होम्योपैथिक दवाओं की बात करें तो वो इस प्रकार से लिक्विड रूप में आती है। ये जो लिक्विड होते हैं ये अलग अलग प्रकार से आते हैं, जिसमें मदर टिंचर्स होते हैं, डायल्यूशन होते हैं, डायल्यूशन में अलग अलग पावर होती है, 3, 6, 12, 30, 200, 1M, 10M, LM, CM, इस प्रकार से अलग अलग पावर की मेडिसिन होती है, जिसके बारे में हम आपको इसी सीरीज के दूसरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, यदि एलोपैथी की बात करें या आयुर्वेदिक की बात करें तो इन दोनों में ही दवा को देने के लिए दवा की मात्रा मुख्य भूमिका अदा करती है। जैसे एलोपैथिक में पैरासीटामॉल किसी व्यक्ति के बुखार उतारने के लिए देना है तो उसकी जो दवा होगी वो mg में होगी, जो डिपेंड करेगी कि देने वाले मरीज के शरीर का वजन कितना है। जैसे जनरली पैरासीटामॉल की जो मात्रा होती है वो 10 से 15 mg/kg होती है, तो शरीर के वजन के हिसाब से ये तय किया जाता है कि इस मरीज को पैरासीटामॉल 100 mg देना है, 200 mg देना है, 500 mg देना है या 650 mg देना है, या इस प्रकार से जितनी भी मात्रा देनी है वो शरीर के वजन के हिसाब से तय की जाती है। और इसी प्रकार से एलोपैथिक में या आयुर्वेदिक में दवाएं दी जाती हैं। किंतु दोस्तों, यदि होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में जो दवा देने का तरीका होता है वो शरीर के वजन के हिसाब से या mg के हिसाब से नहीं तय होता, जबकि होम्योपैथी में दवा देने का तरीका जो होता है वो मरीज की ससेप्टिबिलिटी कितनी है, मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मरीज के काम करने का तरीका कैसा है, वो बौद्धिक काम अधिक करता है या शारीरिक काम अधिक करता है, या जो है शरीर जो है एक बच्चे का शरीर है या बूढ़े का शरीर है, तो वो उस बीमारी के प्रति कितना ससेप्टिबल है और उस दवा के प्रति कितना ससेप्टिबल है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर मरीज को देने वाली होम्योपैथी दवा की पोटेंसी तय की जाती है। पोटेंसी मतलब पावर। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दवा है काली ब्रोम, ये 30 पावर की दवा है, 30 पोटेंसी की दवा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 30 mg काली ब्रोम मिला है, बल्कि इसका एक तरीका होता है पोटेंटाइजेशन, उसमें उस पोटेंटाइजेशन के द्वारा 30 पोटेंसी की दवा तय की जाती है। होम्योपैथी में दवा की मात्रा का कोई भी रोल नहीं रहता, दवा की मात्रा रिस्पॉन्सिबल या दवा की मात्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, होम्योपैथी में दवा की पावर होती है। तो यहाँ पर बच्चों को भी यदि चाहें तो 30 पोटेंसी की दवा देना पड़ती है, या किसी केस में बच्चों को भी 200 पोटेंसी की दवा देनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को केवल 30 पोटेंसी की ही दवा देना या लो पोटेंसी की देना, यदि बीमारी के हिसाब से ऐसा लगता है कि इसे हाई पोटेंसी की एक सिंगल डोज देना जरूरी है तो वहां पर हाई पोटेंसी की भी दवा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से थोड़ा सा भिन्न होती है, जहां पर दवा की मात्रा मरीज को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं होती है, दवा की जो पोटेंसी होती है, जो पावर होती है, वो जरूरी होती है। दोस्तों, यदि दूसरी बात करें तो जहां पर आप देखेंगे कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में किसी भी बीमारी पर जो लक्षण होते हैं उस बीमारी के हिसाब से केवल उसकी दवा दी जाती है और उस लक्षण को दबाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को कोई स्किन इन्फेक्शन होगा तो एलोपैथिक जो चिकित्सक होगा उस स्किन इन्फेक्शन की जो भी एक फिक्स मेडिसिन होगी उस मेडिसिन को देगा, या जो एक क्रीम होगा लोकल एप्लीकेशन के लिए उस क्रीम का एप्लीकेशन करेगा, जिससे वो बीमारी जो वहीं की वहीं दब जाएगी, कुछ समय बाद वो बीमारी वापस ऊपर आ जाएगी। परंतु यदि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वह भले ही आपको स्किन इन्फेक्शन होगा
वह आपके बारे में, स्किन के बारे में तो आपके सारे सिम्टम लेगा ही, किंतु इसके अलावा आपके पूरे सिम्टम लेगा। आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी मेमोरी कैसी है, आपको रोना कैसा आता है, हंसना कैसा आता है, आप कब खफा हो जाते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको पानी कैसा लगता है या आपका पेट कैसा रहता है, जितने भी सारे सिम्टम्स हैं, आपकी नींद कैसी है, आपके सपने कैसे आते हैं, इन सभी को लेगा। उसके हिसाब से होम्योपैथिक डॉक्टर मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। मटेरिया मेडिका एक पुस्तक होती है जिसके अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाइयों के बारे में डिटेल में बताया जाता है। तो आपके सिम्टम के हिसाब से वह अपने माइंड में कैलकुलेट करेगा कि ये सभी सिम्टम किस दवा में पाए जाते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर वह दवा जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा, और इसका असर ये होगा कि वो जो बीमारी है स्किन इन्फेक्शन, वो धीरे 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 शरीर से गायब होती जाएगी और ऐसी गायब होगी कि वो वापस नहीं आएगी। मतलब यहाँ पर होम्योपैथिक में बीमारी दबेगी नहीं, वह अंदर से जड़ से धीरे 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 ठीक हो जाएगी। किंतु इसके लिए ज़रूरी है कि मरीज से डॉक्टर जो है वो डिटेल में थोड़ी सी पूछताछ करे, ताकि जो सही दवा है वो बाहर चुनकर आ सके। दोस्तों तीसरी बात देखें तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से सिम्टम्स आधारित चिकित्सा पद्धति है। यहाँ पर प्रत्येक दवा के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो मरीज के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में जो सबसे सिमिलर दवा होती है, सबसे सिमिलर से मतलब ऐसी दवा जिसमें वो सभी सिम्टम्स पाए जाते हैं जो अभी मरीज में पाए जा रहे हैं, वो दवा जो है दी जाती है, और उसकी पोटेंसी तय की जाती है मरीज की उम्र देखकर, उसकी ससेप्टिबिलिटी देखकर और दूसरे कई कारण देखकर। तो पर्याप्त मात्रा में पोटेंसी और सही तरीके से चुने ही दवा, इन दोनों को यदि एक साथ कॉम्बिनेशन करके एक सबसे सफल सिमिलर सिम्टोमेटिक दवा दी जाती है, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलाने के बाद दी जाती है, यह कहे कि मरीज का पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद दी जाती है, तो वह दवा बहुत ही अच्छा असर करती है और मरीज को पूरी तरह से ठीक कर देती है। यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में और बात करें तो यहाँ पर इलाज बीमारी के नाम से नहीं किया जाता। जैसे कि आप देखेंगे कि एलोपैथिक डॉक्टर जो है बीमारी को डायग्नोस करते हैं, या कौन सी बीमारी है, न्यूमोनिया है, या यहाँ पर जो ब्रोंकाइटिस है, या यहाँ पर ब्रोंकियेक्टिसिस है, या जो भी बीमारी है उसे डायग्नोस करने के बाद उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट देते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी बीमारी हो रही है, आपके पूरे सिम्टम्स लिए जाते हैं, सिम्टम्स के हिसाब से वो सभी सिम्टम्स किसी दवा में मिल रहे हैं तो आपको केवल वही दवा दी जाती है, और इसका असर ये होता है कि ये दवा आपके वाइटल फोर्स पर, आपके अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली पावर पर काम करती है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपकी वाइटल पावर बढ़ा देती है। इसका असर ये होता है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है वो बाहर निकल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यदि दवा का काम करने का तरीका देखें तो जो एलोपैथिक दवा होती है वो कारण पर अटैक करती है। जैसे यदि कोई बीमारी जो है इन्फेक्शन के कारण हो रही है तो एलोपैथिक डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दवा लिखेंगे, एंटी इन्फेक्टिव दवा लिखेंगे, जो इन्फेक्शन को मारेगी, कीटाणुओं को मारेगी, और इसके कारण मतलब जो भी बीमारी हो रही है आपको उसके लक्षण आने बंद हो जाएंगे, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। जबकि होम्योपैथिक दवा के काम करने का तरीका देखें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के वायरस को खत्म नहीं करती है, किसी प्रकार के कीटाणुओं को या इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को, फंगी को, कोई भी होम्योपैथिक दवा खत्म नहीं करती है। जबकि होता यह है कि होम्योपैथिक दवा लेने के बाद आपके शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वही बैक्टीरिया, वही वायरस, वही फंगी आपके शरीर पर कुछ असर ही नहीं डाल पाते और धीरे धीरे करके वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी खुद ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि किसी एक एरिया में बहुत तीव्र रूप से मलेरिया फैला है या इन्फ्लुएंजा फैला है या किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, किंतु इसके बाद भी उसी क्षेत्र में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता थी, जो वाइटल एनर्जी थी, वो इतनी अधिक थी कि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, मलेरिया के जो कारक है ये उन लोगों पर अपना असर नहीं डाल पाए। उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ, उन लोगों को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ, उन लोगों को स्वाइन फ्लू नहीं हुआ, जबकि उसी क्षेत्र में रह रहे दूसरे लोगों को बीमारी हो गई। मुख्य कारण यही है कि उनकी इम्यूनिटी कम थी, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी, जबकि जिन्हें नहीं हुआ उनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी। तो होम्योपैथिक दवा इसी प्रतिरोधक क्षमता को, इसी इम्यूनिटी को, इसी वाइटल पावर को, इसी वाइटल एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है, और ये जो वाइटल एनर्जी आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप पर बीमारियों का असर होना बंद हो जाता है और वो आपके शरीर से धीरे 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 विदा हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार से होम्योपैथिक दवा काम करती है। होम्योपैथिक दवा के फायदे को देखें तो बच्चे होम्योपैथिक दवा खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एलोपैथिक दवा खाने में बहुत अधिक कड़वी होती है और बच्चे जो है उन दवा को सही तरीके से नहीं ले पाते, कई बच्चे तो खाते ही उल्टी कर देते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को होम्योपैथिक दवा देने में बहुत ही आसानी होती है। होम्योपैथी की जो मीठी मीठी गोलियाँ होती है बच्चे उन्हें लेना बहुत अधिक पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे क्लिनिक पर कई सारे मरीज ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर बच्चे से छुपा कर रखना पड़ती है दवाएं, वरना कई बार बच्चे जो हैं डब्बे को एक ही दिन में पूरी खत्म कर देते हैं। तो इसका एक फायदा तो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक दवा उसके स्वाद के कारण नहीं खा पाते वो भी बहुत आसानी से होम्योपैथिक दवाएं ले सकते हैं।
बच्चों को ये बहुत अधिक पसंद होती है इसके मीठेपन के कारण। और इसके अलावा देखें तो होम्योपैथिक दवाएं शरीर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं पैदा करती। जैसे एलोपैथिक दवाएं खाने के बाद अधिकतर लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। उन्हें बहुत अधिक मात्रा में गैस बनने लगती है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। होम्योपैथिक दवाओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता। होम्योपैथिक दवा खाने में बिल्कुल एकदम नेचुरल होती है, पता ही नहीं चलता कि आपने कब दवा खा ली। ना आपको किसी प्रकार की कोई गर्मी बढ़ती है, ना किसी प्रकार का कोई आपको दवाओं का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि किन्हीं किन्हीं दवाओं से होम्योपैथिक एग्रावेशन होता भी है तो वो दवा की एक सेल्फ लिमिटिंग जो टाइम होता है उसका असर करने का, उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसके बारे में हम इस वीडियो के दूसरे भागों में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में होम्योपैथी के बारे में प्रारंभिक लेवल पर इतना ही नॉलेज है। होम्योपैथी क्या होती है, होम्योपैथी किस प्रकार से असर करती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ कितने प्रकार की होगी, उसमें क्या डाइल्यूशंस होते हैं, क्या मदर टिंचर्स होती है, क्या बायोकेमिक मेडिसिंस होती है, इनके बारे में हम इस सीरीज के अगले वीडियो में बात करेंगे। और इसी प्रकार से इस सीरीज में होम्योपैथी के बारे में आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है होम्योपैथी के बारे में प्राथमिक जो नॉलेज है वो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।